अवेसी का जो विधायक होगा 5-7 जाके तब ना विधानसभा में जाके कुछ बोल के लेगा। आजकल के जो हमारे एमएलए है विधायक है कुछ बोलता ही नहीं है, बन के बैठ जाता है। अरे भाई जब कुछ बोलेगा जाके विधानसभा में तब जाके उनको कुछ काम कराएगा। आज की बड़ी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। कई विधानसभा जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रहा है, तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे ठाकुरगंज विधानसभा से, जहां पर असद इकबाल तैयारी में जुटे हैं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। और एमआईएम पार्टी का एक छोटा सा सिपाही है और इस पार्टी का इस बार एमएलए ठाकुर विधानसभा से एमएलए का भावी प्रत्याशी हूँ। एमआईएम पार्टी का पैगाम उसका संदेश को लेकर आपके मंगलीहाट आया हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 74 सालों से जिस पार्टियों को आपने वोट देने का काम किया, उस पार्टियों ने आपके साथ शोषण करने का काम किया, आपके साथ ठगने का काम किया, आपका इस्तेमाल किया, आपका इस्तेमाल किया। मेरे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज सड़क सही नहीं है तो उसमें हिंदुओं को भी चलना पड़ता है, तो उसमें मुसलमानों को भी चलना पड़ता है। अगर आज एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है तो उसमें हिंदुओं का भी इलाज नहीं होता है, तो उसमें मुसलमानों का इलाज नहीं होता है। अगर आज कोई कारखाना कोई फैक्ट्री नहीं है तो दोनों लोग उससे बेरोजगार है। आज अगर हमारे फसलों का कीमत नहीं है तो दोनों लोगों को उसका कीमत नहीं मिलता है। परेशानी सबका एक ही जैसा है, समस्या सबका एक ही जैसा है, लेकिन जब जब वोट देने का आता है, इलेक्शन और चुनाव का समय आता है, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं और हमारे हिंदू भाइयों आप लोग बीजेपी बन जाते हो और हमारे यहाँ के मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस बन जाते हैं। पिछले 74 सालों से ये दिल्ली में बैठी पार्टियां, ये पटना में बैठी पार्टियां हमारे साथ इसी का निभावनी भाषण देके बड़ी बड़ी बात करके हमारा वोट तो ले लिया, लेकिन आज तक हम लोगों की जिंदगी को बदलने का काम नहीं किया। हमारी जिंदगी जो का क्यों रह गया, हम जिल्लत भरी और बेबसी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इसलिए मेरे सभी सभी भाइयों से, हर कम्युनिटी हर तबके के भाइयों से, भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए। पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने अधिकार के लिए वोट कीजिए, बराबरी का हिस्सेदारी के लिए वोट कीजिए। इस बार जात पात धर्म से उठ करके आने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल बनाने के लिए वोट करने का काम कीजिए। यही आपके बगल में मंगलीहाट के बगल में एक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या आज तक वहाँ कोई डॉक्टर आया? आज तक कोई गरीब मजदूर किसान जाकर इलाज करा पाया? आखिर जब नहीं करा पाया, जब डॉक्टर नहीं, तो यह उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का क्या जरूरत था? यही बगल में एक पुल है, पिछले 4-5 साल से यह पुल ऐसे गिरा हुआ है, दोनों से उसका एक साइड कटा हुआ है। आज तक ये निकम्मे नेताओं ने उस पुल से जाने आने का कोई रास्ता को नहीं बनाया, उस रास्ते कटे हुए रास्ते को भरने का काम नहीं किया। क्यों हम लोग एमएलए और एमपी चुनते हैं, क्यों आप लोग नेता चुनते हैं? यही दिन देखने के लिए कि हम बुरे तरपता तरपता जिंदगी गुजार दे। आज ये गरीब कोई बीमार पड़ जाता है, वो तरपता तरपता रह जाता है, वो अपना इलाज कहीं नहीं करा पाता, सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं होती है। दूसरी खबर आपको हम बिहार के अररिया जिला से दिखा रहे हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और खास इस अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और ये एक ऐसी पार्टी है, ये हर किसी के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे 3 तलाक हो, एनआरसी हो, एनआरपी हो, हर का जहां भी देखते हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आवाज उठाने वाली एक वाहिद पार्टी है। इस पार्टी को अगर हम लोग एकजुट होकर कामयाब नहीं करेंगे तो आने वाले फिर दिन वही 5 साल हम लोगों को क्या कहते हैं वही परेशानी, रोड सबकी परेशानी तय करना पड़ेगा। अवैसी को तो बनाना ही कामयाबी, क्योंकि जब अवैसी का जो विधायक होगा 5-7 जाके तब ना विधानसभा में जाके कुछ बोल के लेगा। आजकल के जो हमारे एमएलए है विधायक है कुछ बोलता ही नहीं है, बन के बैठ जाता है। अरे भाई जब कुछ बोलेगा जाके विधानसभा में तब जाके उनको कुछ काम कराएगा। अवैसी पार्टी देखिए हैदराबाद में कितना काम किया है, ओवैसी ऑफ एक्सीलेंस स्कूल है, हॉस्पिटल है, लोग 20 रुपए में लाखों लाखों का इलाज कर लेता है। तीसरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं किशनगंज के कोचाधमन विधानसभा से, जहां इजहार आसफी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक का कारनामा को बयान किया जाएगा, जो हमारे ऊपर हमारा वोट लेकर महागठबंधन के नाम पर
भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठकर हम पर नया नया कानून लगाया, एनआरसी जैसा कानून, सीए जैसा कानून लगाकर हमें हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए साजिश किया। इन तमाम बातों पर आज तफसील से हम लोग गुरु वाला जलसा में बात करेंगे। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने अस्तरुल ईमान साहब को कहा कि और जगह का कैंडिडेट बाद में घोषणा होगा। इजहार साहब की मेहनत से तुम उसको एक दो महीना पहले ही कैंडिडेट का घोषणा कर दो। लिहाजा अस्तरुल ईमान साहब ने पूरे प्रखंड के जिम्मेदार और तमाम पुराने वर्करों को बुलाकर आपका बेटा, आपका भाई इजहार अस्थी को कैंडिडेट के नाम पर कह दिया कि आप कोचा धामन का कैंडिडेट कौन होगा। तमाम वर्करों ने अपने एक सुर में कह दिया कि हम लोगों का कैंडिडेट हिमायम के तरफ से इजहार अस्थी ही होना चाहिए। अस्तरुल ईमान साहब ने तमाम वर्करों की बात सुनकर अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को अपने लेटर पैड में लिखकर भेज दिया हैदराबाद। वक्त आने पर आचार संहिता लगने के बाद नॉमिनेशन से पहले लिफाफा में टिकट आएगा। आप तमाम लोगों से मिले गुफ्तगू करने के लिए इस बात से आया हूं कि टिकट के बारे में तो मुझे फाइनल कर दिया और यहां से लिख के भेज दिया, अब इलेक्शन लड़ने की बारी है। मेरा मजाल अकेले नहीं है कि मैं अकेले इलेक्शन लड़ू, इसलिए मैं आज कई दिन से जगह जगह जाकर तमाम लोगों से कहता हूं कि मेरे नाम से जब टिकट आएगा इलेक्शन लड़ूंगा तो क्या मैं आप लोगों पर उम्मीद करूं? टिकट जब आएगा तो टिकट में अपने हाथ में लेकर नामांकन करो। सबके तरफ से एक सुन में जवाब आता है कि आप बिना झंझट टिकट लेकर नामांकन कीजिए, हम आपके साथ में हैं। मैं आप तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि क्या जब टिकट आएगा लिफाफे में बंद करके बिहार का सदर जनाब अस्तरुल ईमान साहब हमें बुलाएगा टिकट देने के लिए, तो क्या मैं टिकट को लूं? आप लोग अभी बताइए, मुझे आश्वासन दीजिए, हां जाओ तुम टिकट लो, इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ में। मैं उम्मीद करूं मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों से फिर मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जरूरत को फारिग करके आने अगला वाला चौक में आए और वहां पर कुछ तफसील से बात किया जाएगा, देश का, प्रदेश का। आप लोग बगैर सुनेंगे। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से गुफ्तगू करके रुखसत होना चाहता हूं और दुआओं की दरखास्त करता हूं, खासकर मेरे मां बहन और बेटियों से, क्या तमाम लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरा सेहत के लिए दुआ करें, मेरा ईमान के लिए दुआ करें कि मैं जो काम पिछले जिंदगी में किया, लोगों का भलाई किया, लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया, लोगों का आंसू पोंछने का काम किया, हम भी दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरा जो बकिया जिंदगी है, जिस तरह से ईमानदारी के साथ मैंने रहा, किसी से 200 रुपया नहीं लिया, किसी से 2 लीटर तेल अपने गाड़ी में नहीं डलवाया, या अल्लाह आने वाला जो जिंदगी है मेरा, उसको भी हमारा सीधे रास्ते पर चला और लोगों से मिलाकर चलने की तौफीक दी हमें। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से रुखसत होना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।